अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, देखो अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो क्या इसको पहले रीड कैसे करना है। सर, टू अपॉन थर्ड पार्ट ऑफ ए मनी इज रुपीज 150 मोर देन इट्स 5/12 पार्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मनी। किसी धन का 2/3 भाग उसके 5/12 भाग से 150 रुपए अधिक है तो धन का मान ज्ञात करो, है ना। इजी सा क्वेश्चन है। तो मान लो कि जो वैल्यू है या फिर जो धन है वो हमारी टोटल कितनी है, 1। तो वैल्यू या धन कितनी मान लेते हैं हम, 1। अब इसके दो पार्ट्स है, एक कौन सा सर, 2/3 पार्ट 2/3 भाग, एक इसका 5/12 पार्ट 5/12 भाग। तो अगर आप इसका 2/3 पार्ट फाइंड आउट करोगे तो कितना रहेगा सर, 2/3। अगर आप इसी नंबर का अगर 5/12 पार्ट फाइंड आउट करोगे तो कितना रहेगा सर, 5/12 यही रहेगा दोनों पार्ट। अब इसके अलावा और देखिए कि सर ये तो पता चल गया कि ये इसका 12 2/3 तो 2/3, 5/12। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो इसका 2/3 पार्ट है ना वो इसके 5/12 पार्ट से 5/12 भाग से रुपीज 150 मोर देन, तो 150 रुपए अधिक है। तो पहले बताओ कि ग्रेटर कौन सा है, 2/3 या 5/12। सर इसमें लिखा हुआ ये है कि 2/3 पार्ट इज मोर देन 5/12, इसका मतलब ये ग्रेटर पार्ट है। इसका मतलब कि सर जो 2/3 पार्ट है 2/3 ये कितना ग्रेटर, किससे ग्रेटर सर, 5/12 से, और कितना सर, इससे 150। तो 2/3 पार्ट इज मोर देन 150 रुपीज मोर देन फ्रॉम इट्स 5/12 पार्ट। तो इसका 2/3 भाग इसके 5/12 भाग से 150 रुपए अधिक है। ये बात हमें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कि 2/3 पार्ट ऑफ ए मनी इज रुपीज 150 मोर देन इट्स 5/12 पार्ट, यानी कि इसका जो 2/3 पार्ट है ना, इसका 2/3 भाग है वो इसके 5/12 भाग से 150 रुपए अधिक है। तो पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर इसमें से ग्रेटर पार्ट कौन सा है। वो कैसे पता चला सर, यहाँ से जब हमने लाइन पढ़ी ना तब पता चला कि इसका जो 2/3 भाग उसके 5/12 भाग से 150 रुपए अधिक है। इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास में धन जितना है ना, आपके दोस्त से 150 रुपए अधिक है। यू हैव मनी इज रुपीज 150 मोर देन योर फ्रेंड। तो यानी कि आपके फ्रेंड के पास में जितने रुपए थे उससे 150 रुपए आपके पास में ज्यादा, मतलब सीधे सीधे समझ गए कि सर ये वाला ज्यादा है। दोनों जगह रख के देख लो ना, पता चल जाएगा। अब ये रही आपकी मनी 2/3, ये रही आपके फ्रेंड के पास 5/12, ग्रेट ज्यादा किसके पास है, आपके पास, कितना सर, 150। अब आपने कहा कि सर ये दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, दोनों एक ही फैमिली से, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो दोनों को एक जगह करो। तो एक जगह करेंगे तो इसको इधर लेके आ जाए क्योंकि उधर तो उससे हटाना पड़ेगा ना। अब ये नंबर इधर पॉजिटिव है, प्लस की है, उधर जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की। हर बार सीखा है कि सर प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो 2/3 पहले से इधर है, ये माइनस के 5/12 यहाँ इधर आ गया, उधर कितना रहा सर, 150 रुपीज रहा। अब आपको पता है कि सर इन दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा सर 12, 3 और 4 का, 3 और 12 का एलसीएम आता है सर 12 आता है, आप एलसीएम कर लेना। फिर इस तरीका इसके अंदर डिवाइड किया 4 टाइम, 3 4 12 और 4 2 8, ये रहा माइनस, 12 बन गया 12 और 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो सर 5 बन गया 5। तो कितना रहा, ये तो 150, ये रहा सर 3/12 इजिकल टू 150। अब देखो मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई 1 किसके साथ में लिखना है सर, जो भी फ्रैक्शन हो उसके साथ में मल्टीप्लाई 1 लिखना है। और हमारे पास में जो वैल्यू की वैल्यू कितनी थी, 1। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है सर, इस 1 का। तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये 1 रहा क्योंकि जो नीचे रहेगा ऊपर, ऊपर रहेगा नीचे, तो 150 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में कितना, 3। सर 3 का तो डिवाइड हो रहा है, 3 5 15 और ये 0, 12 5 60 और ये 00, 600 रुपीज इसका आंसर रहेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 600, और 1 हमारे पास में क्या था, जो भी हमारे पास में वैल्यू थी उसका वैल्यू कितना था सर, 600 रुपीज इसका आंसर रहा। एक बार के लिए आप सभी देखिए इसको, खुद से खुद को अपने आप को समझाइए, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर मैं आपको इसको वापस समझा दूंगा। हेलो सर, बोलो। अगर सबसे पहले आपके पास में मान लो ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, माइक म्यूट कर लो, एक बार माइक म्यूट कर लो।
जैसे आपके पास में ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ, तो जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता वो भी एक बार देख लीजिए वापिस। आपके पास में ये फ्रैक्शन दिया हुआ और आपको कहा कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इधर वाला मैं इसको एक बार का इसको वापिस इरेज कर देता हूँ, फिर थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। आपके पास में एक फ्रैक्शन था सर 33/100। आपको ये देखना है कि सर डिनोमिनेटर में जिसे हर कहते हैं ये नीचे की तरफ कितने जीरो है, तो आपको कैसे 2 जीरो है नीचे। तो अब नीचे जितने जीरोज हो ना इधर राइट साइड से, इस राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करो, कितने जीरो 2, तो यहां से काउंट करो 1 2, और यहाँ पे लगा दो सर पॉइंट। क्या पॉइंट के इस तरफ कोई नंबर है? नहीं सर, जब नंबर नहीं होगी तो हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। चलो ऐसा ही यहाँ पर देखो, सेम डिट्टो हमने इधर काम किया सर, नीचे कितने जीरो थे 2 1 और 2, तो ऊपर राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया 1 2, और पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। पॉइंट से पहले कोई नंबर? नहीं सर, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है। अब जब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होगा, जब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होगा तो क्या होगा सर? जब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होगा तो हम लिख देंगे सर 0, तो ये लिख दिया सर 0.45। अब ये सर 1436/100, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने नीचे काउंट किया कितना, 1 2 3, कितने जीरो 3 जीरो, तो इधर से काउंट करना स्टार्ट करो 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। क्या पॉइंट से पहले कोई नंबर आया? यस सर, पॉइंट से पहले एक नंबर है, तो इस बार हम क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर काउंट किया 1 2 3, 1 2 3, यहाँ लिख दिया पॉइंट। अब क्या पॉइंट से पहले कोई नंबर है? यस सर, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह ये हमें किसी भी नंबर को अगर लास्ट में अगर 10, 100, 1000 यानी जीरो वाला अगर कोई नंबर हो, उसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करेंगे, ये पहला पॉइंट हमारा ये था। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सर, क्वेश्चन। यस क्वेश्चन नंबर 5th 0.45 कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5th, हाँ वो मुझे पता है, वो आगे क्वेश्चन था, मैंने इसी के नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, नंबर नंबर हो था। जाएंगे। ये रहा सर हमारे पास में क्वेश्चन अपॉन 1000। सिंपल सा पॉइंट है सर, आपने अभी भी सिखाया है कि पहले जीरो काउंट करो, ये लो सर काउंट कर लिए, कितने जीरो आपके पास सर 4। किधर से काउंट करेंगे? इधर से। अरे नहीं 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 सर, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, इधर से काउंट करो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कैसे काउंट कर सकते हो? 1 2 3 4, ये लिख दिया पॉइंट। क्या पॉइंट से पहले नंबर है? हाँ सर, जीरो लिखोगे? नहीं सर, तो ये लो सर 46.3258, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। तो अब बताइए किसी स्टूडेंट को कोई बात रह गई, कोई डाउट रह गया है इस टाइप के क्वेश्चन में कि नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आया, उसको बता देते हैं फिर आगे चलते हैं। सर यहाँ जो हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार देखो पता क्या करना है इसको, इस बार आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कैसे पता किया सर? यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ मतलब डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि दशमलव भिन्न को भिन्न में लेके जाना है, डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ सर 0.45, एक क्लास को ध्यान से देखना, मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं आपको कि अभी के भी क्लास याद हो जाएगी, लेकिन ध्यान इधर उधर रखोगे तो याद नहीं होगी। अब सर देखो आपका मेरा नोशन नहीं दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन? एक बार लीव करके वापस देखो। ओके सर, ठीक है, अब देखिए यहां हुआ क्या कि सर ये जो पॉइंट है, अभी हमने क्या किया पॉइंट लिखा ना, अब एक फिक्स मेथड याद कर लो, मैं आपको सीधा सीधा मेथड याद करवा देता हूँ। देखो पॉइंट आपके पास में जो डेसिमल लिखा हुआ है, तो डेसिमल कहाँ है सर? ये रहा, इस डेसिमल के इधर राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स है सर? 1 और 2, कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो ये इसका डेसिमल तो हटा दो, तो डेसिमल हटाएंगे तो इस तरह लिखेंगे, और अपॉन में कितने डिजिट्स है सर? 2 डिजिट्स, तो लगाओ सर 2 जीरो लगाओ और उसके पहले 1 लिखो। दोबारा देख लो कि सर सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बार फिर से आपको बना रहा हूं ये 0.45, सबसे पहले हमने देखा सर डेसिमल,
डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स है सर? टू डिजिट्स, डेसिमल तो हमने हटा दिया और उसके बाद में टू डिजिट से तो 20 और ये लिखा 1 तो आ गया 100। अब हमें क्या पता चला कि देखो किसी भी नंबर अगर इस तरह लिखो और उसके अगर इस तरह केवल 0 रहे लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना, तो 0 का आप हटा सकते हो। 45/100 इसका आंसर रहेगा। तो आंसर कितना रहेगा सर? 45/100 इसका रहेगा आंसर। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट सोल्व करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, मैं सारे सोल्व करवाऊंगा और जब तक सभी सोल्व करवाऊंगा तब तक आपको सारे याद भी हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं सर। 23.421 इसका हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स? 1, 2, 3, तो ये रहा सर 23421 अपॉन में कितना रहेगा सर? 1, 2, 3 और ये रहा 1, हो गया सर। ये तो कितना इजी क्वेश्चन था सर, इतना इजी इजी क्वेश्चन, बस आपको जीरो ही तो लगाने थे। अब इसमें सर इसको तो बिना देखे कर देंगे हम, इसके राइट साइड पता करो सर 1, 2, 3, तो पता चला कि सर इसका सबसे पहले इसका डेसिमल तो हमने हटा दिया, ठीक है, और कितने जीरो लिखने थे सर? 3 0 और साथ में 1 लिखना था सर। इसमें क्या है, राइट साइड में चेक कर लो, 1 2, टू डिजिट्स यानी कि 1, 0, 2, 4, 3, 2 अपॉन सर 00 और ये 1, तो ये हमारा एक और टाइप ये रहा था हमारा कि अगर आपके पास में डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसको किस तरह आप सोल्व करोगे। अब आपके लिए मैं एक आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, इधर मैं 11 नंबर लिख के एक आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको सोल्व कर लो। 432.1602 अपॉन, रुको एक मिनट, चलिए इसको आप कन्वर्ट कीजिए। अब बताइए सर इस बार जो आपने क्वेश्चन दिया है उसमें आपने किया क्या है कि आपको सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें पॉइंट पे देखना है और पॉइंट के राइट साइड में ये देखना है कि कितने डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4, तो ये लो सर 432.1602 अपॉन सर 4 डिजिट थे तो ये लो सर 40 और अपॉन में कितना लिख दिया 1, ये हो गया सर हमारा आंसर इसका, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए मैं कल आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देना भूल गया था उस टाइप का, मैं यहां मैं लिख देता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन को, उसको फिर मैं समझा भी दूंगा और फिर आपसे मैं बनवा भी लूंगा वो क्वेश्चन, ये इरेज कर देते हैं, यहां मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आप समझिए सभी स्टूडेंट, उसके बाद फिर आपको मैं जो क्वेश्चन दूं उसको बनाने की ट्राई कीजिए। कल बाकी स्टूडेंट ने समझ लिया था, फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिए वापस। जैसे लिखा हो मान लो कि 43.621 अपॉन 12.123, ठीक है, अब आपको कह दे कि इसके आपको डेसिमल आपको इसके हटा देने, तो आप क्या करोगे? देखो समझो इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सबसे पहले इधर जाओ, अब सबसे पहले इधर जाओ, एक मिनट के लिए रुकिए ना, तनिष्क का कॉल आ रहा है। इस बार देखो क्या होगा अब यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मान लो डेसिमल अगर अंश में हो, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, इसे अंश कहते हैं, और नीचे की तरफ क्या होता है सर? डिनोमिनेटर, जिसे हर कहते हैं। अगर पॉइंट आपका अंश में या ऊपर की तरफ हो तो मल्टीप्लाई करके जीरो कहाँ लिखोगे? नीचे की तरफ, जितने आपके पास में पॉइंट के बाद में डिजिट्स हो उतने जीरो लिख देंगे। अगर आपके पास में पॉइंट नीचे की तरफ है तो आप मल्टीप्लाई करके जीरो कहाँ लिखोगे सर? ऊपर की तरफ लिखोगे। पहला पॉइंट ये याद रख लो, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लो कि सर अगर पॉइंट आपका जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो अगर अंश में, न्यूमरेटर में या ऊपर की तरफ है तो हम जो मल्टीप्लाई करके जो जीरो लिखेंगे सर वो लिखेंगे नीचे की तरफ, और अगर आपके पास में डेसिमल या पॉइंट नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में या हर में है तो हम सर मल्टीप्लाई करके जीरो लिखेंगे ऊपर की तरफ, अंश में या न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई करते हैं, समझना सर, यहाँ पर पॉइंट है जो आपका न्यूमरेटर अंश या ऊपर की तरफ है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है सर? 3 डिजिट्स है, मतलब आपको ये तो पता है ना कि डेसिमल तो हट जाएगा आपका, डेसिमल तो हम क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे, डेसिमल तो हटा दे दोनों का सर, इसका जो इफेक्ट रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। मल्टीप्लाई करो, कितने जीरो लिखने हैं सर? 3 0,
इसके बाद में कितने जीरो सर, 1 2 3, तो इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा सर, ऊपर की तरफ 1 2 3, और ये हमारा आंसर रहेगा। अब मल्टीप्लाई करो तो कर लो। वैसे देखो अगर आपके पास में दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो, देखो एक और अच्छी बात सुन लो, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में, ऊपर की ओर नीचे की ओर केवल मल्टीप्लाई का साइन हो, प्लस माइनस या डिवाइड ये सब ना हो, केवल मल्टीप्लाई का हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, और वन से वन हट गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया सर, वापस एक दूसरे से डिवाइड हो गया, 1000 में 1000 का डिवाइड हो गया। लेकिन कब, जब सर ओनली मल्टीप्लाई का साइन हो, प्लस माइनस या डिवाइड ये साइन नहीं होने चाहिए, केवल मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो, एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हो अंश और हर में। अगर सर ये हो जाए तो नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे कि सर अगर इस बार ऐसा होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे ये होता और नीचे की तरफ आपके पास में ये होता तो क्या कर सकते सर, फिर काट सकते। देखो कुछ बच्चे पता है एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं उनको, वो क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं और फिर इसका आंसर ये लिख देते हैं, है ना। अच्छी बात है सर ये तो, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो ना, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो, क्योंकि आपने एक मेथड सीखा था, क्या सीखा था सर, केवल मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तो सर इसको बीच में ये कहां से आ गया, इसका क्या काम यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई का होना चाहिए, और अगर ये आ गया तो फिर ये दोनों कैसे कट गए सर, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं सर, तो फिर इसको नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, तो पहले तो ये दोनों प्लस होंगे, इसमें 1000 प्लस कर दो, तो 1000 अगर प्लस करोगे तो 4 3 6 2 1 0 0 0 1 कितना आ गया सर, 1 2 6 4 4। नीचे देखो ये नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, सेम ही रहेगा, तो 1 2 1 2 3, और उसके बाद में क्या सर, 3 times 0, तो इसका आंसर रहेगा। ये ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, ये इसीलिए लिया है कि कम से कम आप बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गलती करते हैं, मुझे पता है कुछ बच्चों ने गलती की थी, इसलिए मुझे पता है कि ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन आपको नहीं करनी है। अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो कभी भी जल्दबाजी में ये मत कर देना, क्योंकि आपको ये मेथड याद है कि सर केवल मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, बीच में ये वाले कहीं भी नहीं आने चाहिए, अगर ये आ गए मतलब नहीं कटेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन सर अभी हमारे पास में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था सर, इस क्वेश्चन में हमारे पास में ओनली मल्टीप्लाई का साइन था, ओनली मल्टीप्लाई साइन, कोई प्लस माइनस या डिवाइड नहीं था, तो फिर हमने क्या किया कि सर इन दोनों को हटा दिया। सर इन दोनों को हटाने से क्या इफेक्ट रहा, उसका इफेक्ट ये रहा कि ये जो आंसर है ना 4 3 6 2 1 upon 1 2 1 2 3, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तो एक बार के लिए देख लीजिए, और उसके साथ में मैं आपके लिए एक अच्छा सा, एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, उसको भी सोल्व कर लीजिए। 1 2 4 6 3 upon 1 4 1 2, यस बोलिए सर, मेरा एक डाउट है। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन हमें केवल इतना कह रहा था कि जो सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ है, मतलब पहले तो इसको पॉइंट हटा दो सबका, तो ये लो सर, सबसे पहले तो इनके हमने डेसिमल को साइड कर दिया। अब हुआ क्या कि सर इसके पॉइंट यहाँ था, काउंट करो 1 2 3, तो इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा सर, नीचे की तरफ, तो मल्टीप्लाई 1, कितने हैं सर 3 digits, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 0। सर इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा, सर इसका इफेक्ट रहेगा ऊपर की तरफ, यानी कि न्यूमरेटर में, तो कितने डिजिट है सर 1, तो मल्टीप्लाई लिख के लग दो सर 1। अब आपने देखा कि सर दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इजीली आप हटा सकते हो, तो सर 10 से 10 हट जाएगा, बाकी ये वाले भी हटेंगे, नहीं सर ये नहीं हटेंगे, ये क्यों नहीं हटेंगे, इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि सर आपके पास में ऊपर केवल 10 था, एक ही जीरो था, तो 10 को तो आपने हटा दिया, बाकी कहां से हटाओगे, नहीं हटेगा, तो सर फिर कैसे सोल्व करेंगे, करना क्या है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है, सेम रहता है, नीचे की तरफ ये पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर वही रहेगा नंबर 4 1 4 1 2, और साथ में 0 है, तो ये 2 times 0 लिख देंगे, ये आंसर रहेगा। हाँ मैं चलिए आप समझिए, एक फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, पहले तो इनको
विदाउट पॉइंट के लिख दो आप, ये लो सर विदाउट पॉइंट के लिए लिख दिया, 1 1 2 3 6 लिख दिया सर विदाउट पॉइंट, ठीक है सर। इसके बाद में सर इनका इफेक्ट बताओ, इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, कहाँ इफेक्ट रहेगा सर, नीचे की तरफ, तो मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स। सर इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स सर, 3 डिजिट्स, कहाँ इफेक्ट रहेगा सर, ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या, छोटा सा तो इश्यू था वो भी हमने सोल्व कर दिया, अब क्या आना है, जो अठारह सर पहले उठा उठा दो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में 1 2 1 2। अब क्या करेंगे सर, इसके साथ में 10 मल्टीप्लाई है, तो 2 3 6 4 2 0 यहाँ रहेगा, ये कितना सर, 1 1 2 3 6, और सर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा सर ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा था एक सेकेंड मेथड, तो 2 टाइप्स के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अंश प्रताप सिंह कैमरा ऑफ कर लो, तो ये हमारे 2 टाइप्स के, दोनों टाइप देख लिए हम, तो ये हमारे 2 टाइप्स थे। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे वापस एक और टाइप पे जो मल्टीप्लाई वाला था, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में पता है क्या है, हमने सबसे पहले क्या देखा था सर, सबसे पहले सर जब हमारे पास में डिवाइड में अगर 10, 100, 1000 यानी जीरो वाले रहे, वो एक मेथड ये देख लिया सर। सेकंड मेथड हमने क्या देखा कि सर आपके पास में अगर पॉइंट हो, डेसिमल हो, और उसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो जीरो लिखेंगे। एक मेथड हमने कौन सा देख लिया कि सर जब आपके पास में न्यूमरेटर्स में भी जीरो हो, सॉरी पॉइंट हो, और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट हो, तो फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 मेथड्स तो ये हो गए। एक मेथड क्या होगा इस बार कि सर अगर आपके पास में मल्टीप्लाई में जीरो वाले नंबर्स हो, मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या हो सर, जीरो वाले नंबर अगर आपके पास में मल्टीप्लाई में हो, अब तक तो हमने किस में देखा था, डिवाइड में, अगर मल्टीप्लाई में हो तो फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि जो जीरो के साथ में मल्टीप्लाई वाले, चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज के अंदर, यहां कर लेते हैं। समझना सभी स्टूडेंट अच्छे से, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को मैं नीचे कर लेता हूं, इसको अच्छे से समझा देता हूं। चलिए अब यहां देखना सभी स्टूडेंट कि सर हुआ क्या है, इसको तो कर देते हैं सर 5 वापिस, ये 5 हो गया। अब यहां देखो इस बार किसमें सर, मल्टीप्लाई में, एक अच्छा सा रूल बता रहा हूं मेथड, उसको ऐसा कैसा याद कर लेना, वो काम आएगा इसमें। देखो मल्टीप्लाई में कितने जीरो हैं सर, 3 जीरो। मल्टीप्लाई में कितने जीरो हैं सर, 3 जीरो। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ ना आपके पास में 3 3 4 decimal 2 और 1, अगर आपके पास में, एक एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में मल्टीप्लाई में जीरो हो, किसमें हो, मल्टीप्लाई में, तो काउंट कर लो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर राइट साइड में चला जाएगा, और वो भी कितना जाएगा सर, 3 डिजिट्स। तो ये पॉइंट इसको यहां से उठाओ और इसको राइट साइड में ले जाना स्टार्ट करो, 1 2 2 डिजिट्स। सर अभी तो हमारे पास में जीरो तो 3 है, तो हमारे पास में 1 डिजिट और होना चाहिए, पॉइंट तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना उठ के, यहाँ से चल के कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ से चल के ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कितने जीरो है सर, मल्टीप्लाई में 3 जीरो है, इसका मतलब पॉइंट भी राइट साइड में कितना जाएगा सर, 3 डिजिट्स। अब सर इस, ये तो खाली रह गया, अब ध्यान रखना अगर आपके पास में कोई भी प्लेस अगर एम्प्टी रह जाए, वहां पर कोई डिजिट्स नहीं हो, तो वहां पे लिख देना सर 0 हमेशा, और सर पॉइंट के बाद में तो कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद में 0 लिख सकते हो, और पॉइंट के बाद में वाले अगर 0 हो केवल, तो उसको आप हटा भी सकते हो, उसको आप हटा भी सकते हो। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि इसका आंसर ये होगा फिर 2 1 0 0, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो 3 3 4 2 1 0, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों आपके राइट है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद में, ध्यान रखना अगर पॉइंट के बाद में केवल 0 हो, ओनली 0 लिखा हुआ हो, तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा, चलिए इसी को यहाँ बना लेते हैं सर, इसका बना के दिखाओ फिर आप, तब समझेंगे हम, तो चलिए इसका समझाते हैं, ठीक है। 3 6 2 5
0.154 नहीं, पहले मैं समझाऊंगा आपको, बहुत क्वेश्चन देंगे सर, मुझे आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। लीव करके वापस ज्वाइन करो, थर्ड लिंक ज्वाइन करो, सेकंड लिंक ज्वाइन करो, इतने तो लिंक भेज दिए मैंने। चलिए अब क्या होगा सर, करना क्या है सर, मल्टीप्लाई है ना। हाँ सर, काउंट कर लो कितने जीरो आपके पास में, 1 2 3। तो सर बहुत इजी पॉइंट है, ये जो डेसिमल है इसको आप राइट साइड में भेज दो, इस डेसिमल को किधर भेज दो सर, राइट साइड में। कितना सर, कितने जीरो थे आपके पास में, 3, काउंट करो 1 2 3। ये लो सर, इस बार तो पूरे पूरे, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट। चलिए तो इसका मतलब सर 3625154 ये पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में कोई नंबर है नहीं, तो या तो जीरो लिख सकते हो, और सर अगर जीरो लिखा आ जाए पॉइंट के बाद में केवल, तो उसको आप क्या कर सकते हो सर, इस तरह भी लिख सकते हो, उसको हटा भी सकते हो, है ना, छोटा सा पॉइंट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी बनाइए और फिर कुछ और बातों पर डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिख देते हैं, और चलिए कोई क्वेश्चन देते हैं 42.3621 मल्टीप्लाई 100। चलो बनाओ इसको, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सर मल्टीप्लाई में है, और मतलब पॉइंट राइट साइड में जाएगा, कितना डिजिट्स सर, 20 है तो 2 डिजिट्स, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो सर 4236, और पॉइंट कहाँ जाएगा, इस जगह, तो फिर पॉइंट 2 और 1, तो इसका तो आंसर रहेगा सर ये। यहाँ सर 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट उठ के कितना चलेगा सर, 1 2 3 4। अरे सर अभी तो एक और चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, 1 2 4 2 1 6 3, 1 2 3 4 और 5 आना चाहिए ना, तो ये लो सर 5 पे लगा दे 0, और यहाँ लगा दिया पॉइंट, या तो 0 लिख देंगे या फिर इसको केवल और केवल क्या लिख देंगे सर, यही इसका आंसर लिख देंगे। चलिए सर यहाँ पे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके सर इतना इजी क्वेश्चन दे दिया आपने, 3 4.268 है ना, 8 काउंट करते हैं, चलो पॉइंट के बाद में 8 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो सर इनकी जगह क्या लिख देंगे, 0, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और यहाँ से इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये सर ये यहाँ से पॉइंट हटा दिए, इनको लेके आ जाते हैं इनके पास में, और ये हो गया सर हमारा आंसर। तो या तो यहाँ पे पॉइंट 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो ये वाला आंसर रह जाएगा, तो हो सकता है कि ऑप्शन में केवल इतना हो सकता है ऑप्शन में पॉइंट में 0 हो, तो दोनों बातें एक ही, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन की ओर, ठीक है। अब मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं सर एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याओं के क्या समझ रहे हैं सर हम, जोड़। देखो मान लो मैंने आपके कुछ एक एग्जांपल से सीखते हैं ना, 23.2651 प्लस 143.263, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है सर, छोटा सा है। देखो अब पॉइंट एक मैं समझा दूं, थोड़ा शांत रहो ना, सभी माइक म्यूट कर लो। यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना, बस उस पॉइंट का ध्यान रखोगे आपका कभी प्लस रॉन्ग ही नहीं होगा, ध्यान रखना उस ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना, कभी आपका एडिशन रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले ये वाले नंबर लिख लो, एक नंबर रुको, एक मिनट ना, थोड़ा इसको सेटअप होने दो, पहले ये वाला नंबर लिखो 23.2651 लिख लिया, जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही एग्जाम में करना है,
कोई गलती का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी सिंगल गलती भी आपको क्वेश्चन गलत करवा दे, ठीक है। अब ये लिख लिया ना, इसका सबसे पहले पॉइंट लिखो, इसका सबसे पहले क्या लिखो, पॉइंट। अब पॉइंट के इधर वाले नंबर लिखो 3, 4, 1। अब इधर वाले नंबर लिखो 2, 6, 3। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं, जल्दबाजी में क्या करेंगे, इधर उधर पॉइंट हुआ, नंबर इधर उधर हुई, काम खत्म, हो गया गलत। बस क्वेश्चन इतना सा आएगा, 600 इतना सा क्वेश्चन करने का आपको 1.25 नंबर मिल जाएगा, और गलत होते ही बिगड़ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। क्यों? जल्दबाजी में हो जाती है, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हम फटाफट सीधा लिखते हैं ऐसे करके, फिर इधर उधर पॉइंट हो जाता है। बस मेथड ध्यान रखो, कभी गलतियां नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी, आपके एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, बस उनके मेथड सीखते जाओ, उनको गलत नहीं करने का तरीका सीखते जाओ। अब क्या सर, अब तो प्लस है, अब इसके नीचे कोई नंबर है नहीं है, तो यहाँ पे आप जीरो लिख दो, क्योंकि बराबर तो करना ही पड़ेगा ना आपको। इधर इसके इसके यहाँ पर जीरो लिख दो, हो गया बराबर। चलो 1, 0, 1 प्लस करेंगे, 5 और 3, 8, 6 और 6, 12, 1 रहेगा कैरी, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 1 कितना हो गया 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 और 3, 6, 4 और 2, 6, 0 और 1 कितना हो गया 1, ये रहेगा सर 166.5281। चलिए, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो अपना हैंड, देखो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ना, फिर मैं आपके आपको होमवर्क में भेज दूंगा, बाकी क्वेश्चन में लिख के ना, वो ग्रुप में आ जाएगा आपके पास में। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 43.2.6164 प्लस 23.221 प्लस 12.10। इस बार क्या करेंगे सर, करना है क्या, पहले एक सबसे पहले इस नंबर को लिख लो, एक को लिख लो जो आपको बड़ी सी दिख रही है, 6164, क्या हुआ अंशिका, और पक्के हो जाएंगे। अब क्या हुआ सर, ये दो, अब पॉइंट को फिर से वही बात, ध्यान रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ये लो सर इसका पॉइंट, फिर से नहीं दिख रहा है तो लीव करके वापस देख लो, दिखाई देगा। इधर 2, 3 हो गया सर, इसका पॉइंट लाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर इधर का इधर लिखो, इधर का इधर लिखो, बस इस बातों का ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा। अब जहां जीरो लगा दो, बस ये जीरो लगा देना, जिससे क्या होता है कि हमको आइडिया रहे कि हाँ सर इसको कई कई बार क्या करते हैं, इसको इसमें ऐसे प्लस कर देते हैं ना, ऐसे प्लस हो जाता है कई बार, तो जीरो लिखने से क्या होगा, हमें आइडिया रहेगा कि सर ऐसे प्लस नहीं करना है, ये प्लस जीरो इसीलिए लिखवा रहा हूँ। अब ये क्या हो गया सर, 4, 6 और 1 कितना हो गया 7, 2 और 1 कितना हो गया 3, इसको करो 6, 2, 8 और 1 कितना हो गया 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 और 2, 5 और 7, 3, 2, 5 और 1, 6 और 4, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो हमने छोटी सी एक बात सीखी, डेसिमल के क्या सीखे सर, हमने एडिशन सीख ली। चलो ये हमारी क्वेश्चन हो गए, अब जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं।